Om Shanti, good evening. आप सबके सामने प्रोफेशनली ना सही मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बहुत बहुत महान आत्मा बैठी है जिन्होंने ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकली यूज करके अपने व्यवहार में अपने पर्सनालिटी का हिस्सा बनाया है और साथ ही साथ ज्ञान के साथ आज आपने सबसे पहली बार एक्सपीरियंस किया होगा कि योग की पावर क्या होती है और वाइब्रेशन क्या होती है. आपने योग को भी उसमें ऐड किया है. अब मैं सीधा अपने पैनल डिस्कशन पर आते हैं. उससे पहले हम चाहेंगे कि हम डॉक्टर सतीश गुप्ता जो हमारे साथ हैं, आप सभी इनको जानते हैं, क्या मुझे परिचय देने की जरूरत है? नहीं. सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी कि हम आपको फेलिसिटेट करें. आपका बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड कमिंग स्ट्रेट अवे टू द क्वेश्चन. वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आई शुड थैंक यू ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वी हैव रिसीव्ड. प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, वेरी डिफरेंट, टेंजेंशियल एंड आई एम गोइंग टू आस्क मेनी ऑफ देम. सूरज भाई जी का बहुत बहुत स्वागत. हमारा सौभाग्य है हमने उनको सुना और अभी अभी हमारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर, गुप्त प्रश्नों का उत्तर आप सभी देंगे. आपका बहुत बहुत स्वागत है. मेरा पहला सवाल जो मैं पूछना चाहती थी डॉक्टर सतीश गुप्ता से कि हमारे डॉक्टर्स पूछना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा क्या है और आपने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन की? ओम शांति. सी स्पिरिचुअलिटी, जब स्पिरिचुअलिटी वर्ड स्पिरिट से आया है ना, इट इज कम फ्रॉम द स्पिरिट. सो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी इज साइंस ऑफ स्पिरिट, राइट, साइंस ऑफ सोल. सो सोल, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, देयर इज समथिंग कॉमन इन अस. व्हाट इज दैट? हम सबके अंदर एक चीज कॉमन है, किसी भी रिलीजन से है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, किसी भी प्रोफेशन से है, राइट, अमीर है, गरीब है, मेल है, फीमेल है, उसमें हम में क्या कॉमन है? स्पिरिचुअल, राइट. इट कनेक्ट्स अस, राइट, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग. वन कैन गो बियॉन्ड रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इकोनॉमिक स्टेटस, एवरीथिंग, राइट. सो वी कनेक्ट एट अ डिफरेंट लेवल, राइट. वंस यू बिकम स्पिरिचुअल, यू बी कनेक्ट एट डिफरेंट लेवल. And spirituality means peace, because that is the first religion of soul. First religion of soul is peace. What is peace? Shanti. ये तो हिंदी आपने वो किया ना. Spirituality, peace means dwelling in only in truthful thoughts. सत्य विचारों में रमण करना ही peace है. असत्य विचारों में रमण करना अशांति है, राइट. असत्य माना ईगो, मैं ये हूं, मैं ये हूं, जो जो ट्रांजिएंट है, विच इज नॉट एटर्नल, राइट. इज इट क्लियर व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? नाउ व्हाई आई ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन. मुझे बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी में काफी इंटरेस्ट था. धर्म में जैसे ना होता है, पहले भक्ति भाव में था, हनुमान के उसमें था, तो मैं 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ता था. और हमें स्कूल मेरा 1.5 किलोमीटर दूर था, तो मैं 7 हमारा 1.5 किलोमीटर पैदल जाते थे ना, तो एक बार तो सुबह सुबह पढ़ते थे, सुबह सुबह रिवाइज करते थे अंदर अंदर. और 6 बार मुझे 1.5 किलोमीटर चलते चलते पैदल रिवाइज में करना होता, 6 बार. तो मेरी इतनी फास्ट हनुमान चालीसा होती, हनुमान जी को समझ नहीं आती थी. तो बहुत ऐसे बिलीफ सिस्टम की जो मैं दिन में बात कर रहा था आपसे, तो मेरी हमेशा खोज थी. किंतु मैं सोचता था, जब साइंस हम पढ़ रहे थे तो लॉजिकल, व्हाई आई एम डूइंग दिस, इससे मुझे क्या मिलता है? तो फिर हम लोग, जैसे घर में हमारे वातावरण था, 68 से ही हमारे घर में गीता पाठशाला शुरू हुई, ब्रह्मा कुमारी इसका आना जाना शुरू हुआ. तो शुरू में ही अच्छा लगा, क्योंकि बहनें बहुत प्यार से मिलती थी, टोली खिलाती थी, टोली समझते हैं ना, प्रसाद हमारे लेके आती थी, तो सबसे बचपन से ही मिलना जुलना होता था. तो 86 में हम लोग शुरू हुए, और मुझे पहली बार जब हम सेंटर में गए, साउथ एक्सटेंशन में, एम्स के पास ही था
और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पास में ही था, और पहला जो नॉलेज मिला ना वो ह्यूमन बीइंग का चित्र होता है, आत्मा और शरीर, तो उसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत साइंटिफिक लगा, क्योंकि हम एम्स में हार्डकोर साइंटिस्ट कहलाते हैं ना, हार्डकोर साइंटिस्ट ना, बिलीव इन लॉजिक्स ओनली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आत्मा है तो शरीर में, शरीर है, आत्मा नहीं है तो शरीर को हम जला देते हैं, राइट। तो इस तरह से मुझे ये बहुत शुरू से ही बहुत अच्छा लगा कि आत्मा कैसे नरिश करती है, परमात्मा कैसे सातों गुणों का सागर है, तो मुझे पहले दिन से ही काफ़ी अच्छा लगा, और उस दिन के बाद मैंने शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड। तो बेसिकली बचपन से इंटरेस्ट था, और फिर उसका मुझे ऐसी साइंटिफिकली लॉजिकल लगा तो मैंने शुरू कर दिया। ओम शांति। थैंक यू सो मच। आई वेलकम अवर रिस्पेक्टेड प्रताप भाई जी एंड अवर डॉक्टर बनारसी भाई जी। वी जस्ट आस्ट अवर क्वेश्चन, सब ये जानना चाहते हैं कि आप सब ने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन की। डॉक्टर सतीश गुप्ता ने बताया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ डॉक्टर प्रताप भाई जी कि व्हाई डिड यू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन इन ब्रीफ। वेल, कुछ चीज़ें स्पॉन्टेनियसली होती हैं, मेरे साथ तो इट हैपेंड स्पॉन्टेनियसली। माई पेरेंट्स फर्स्ट वर अट्रैक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, माई फादर वॉज नॉट ए रिलीजियस पर्सन, बट जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा दे मस्ट बी समथिंग यूनिक। फिर भी मैंने उसको सीरियसली नहीं स्टडी किया। सीरियसली आई स्टार्टेड स्टडिंग द स्पिरिचुअलिटी व्हेन आई वाज इन द मेडिकल कॉलेज, दैट वाज इन 68। तो मुझे लगा कि जो फुलफिलमेंट लाइफ में चाहिए, सब कुछ होने के बाद भी जब लोग खाली महसूस करते हैं, फुलफिलमेंट चाहिए, वो स्पिरिचुअलिटी से ही आ सकती है। और दूसरी बात ये थी कि लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी आदमी कंफ्यूज्ड महसूस करता है, तो यू लुक टुवर्ड्स समवन हु इज योर रोल मॉडल। सो माय फादर वाज माय रोल मॉडल, तो वो जैसे स्पिरिचुअलिटी को उनको उन्होंने फॉलो करना शुरू किया, तो मेरे लिए भी बहुत इजी हो गया। तो इसलिए मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं था, एंड इट वाज जस्ट लाइक फ्लोइंग टुगेदर विद स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू सो मच। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, बेसिस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। आप सभी चार दिन से मेडिटेशन के बारे में सुन रहे हैं। सूरज भाई जी सब जानना चाहते हैं कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो एक्चुअली हमें क्या सोचना है और क्या फीलिंग में रहना है, ये हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ, प्लीज़ एक्सप्लेन करें। और इसके साथ एक और, कुछ कहते हैं कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमें पैरालिसिस की फीलिंग होती है, हमारी आंखें बर्न होती हैं, हमें हेडेक होता है। तो सबसे पहले दे वांट टू नो कि मेडिटेशन में हमें सोचना क्या है। वैसे मेडिटेशन ऐसा सब्जेक्ट है कि 10-10 साल अभ्यास करने के बाद भी लोग हमसे यही पूछते हैं कि आखिर करें क्या। इसलिए आपका ये प्रश्न पूछना बड़ा नेचुरल सा है। सोल कॉन्शियसनेस, और फिर हम कनेक्ट करते हैं अपने को सुप्रीम से। तो पहले सोल के बारे में चिंतन करें, आप शुरू में इतना ही करें, सोल के बारे में चिंतन करें, एक्सेप्ट करें ये मैं हूँ, और परमात्मा के गुणों का चिंतन करें, अपनी बुद्धि को उससे जोड़ें, बस शुरू में इतना ही करें। और अनुभव यही है कि जैसे जैसे आप करेंगे आपको सुंदर अनुभव होंगे, आपके अनुभव आपको गाइड करेंगे। बस इतना आप शुरू करें और ज़्यादा न सोचें। रही जो दूसरा प्रश्न था, किसी को सिर दर्द होता है, किसी को आंखें भारी होती हैं, भारी लगता है, ये उनको लगता है, आज तक मैंने देखा है ये केसेस बहुत आते हैं। जो बहुत निगेटिव रहे हों जीवन में, तो ब्रेन की शक्तियां काफ़ी कमज़ोर पड़ गई हों या और किसी कारण से, तो थोड़ा रिलैक्स होके करेंगे। जो लोग योग अभ्यास करते हुए अपने दिमाग पर स्ट्रेस जैसा डालते हैं, स्ट्रेन, उनको भी ये फीलिंग होती है, इसलिए बहुत लाइटली करें। और कुछ नहीं हो तो अपना नाता उससे जोड़ें, वो हमारा है, परमपिता है, उससे बातें करें, धीरे धीरे इजी होने लगेगा और ब्रेन पर प्रेशर जैसा फील नहीं होगा। खोल के करें तो अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि आंखें
खोल के ही काम करना होता है तो ये अभ्यास हमें कामकाज में भी करने हैं, इसलिए बेटर वही रहेगा। लेकिन कभी आपको इच्छा हो रही है, आपकी आंखें थक गई, तो आंखें बंद करके आप एंजॉय कर रहे हैं, उसमें भी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। कंसंट्रेट भी करना है, उसका चिंतन भी करना है, उसके वाइब्रेशंस को रिसीव भी करना है, और आप स्टडी करेंगे क्लियर हो जाएगा। नहीं, त्राटक नहीं है ये, उससे कुछ और ही चीज है। त्राटक तो ये मोमबत्ती पे भी ध्यान लगाने लगे वो त्राटक है, ये तो अपने परम पिता से नाता जोड़ना है, त्राटक करना नहीं। जैसे कोई बच्चा अपने बाप को याद करे ना लवफुल्ली, ऐसे है ये। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़ी देर बंद कर लिया करो, लेकिन कभी कभी बंद करके भी लगेगा और कहीं घूमने लगे, इसलिए जैसे अच्छा लगे वैसे कर लेना। आप अनुभव करेंगे कि बंद करके हम ज्यादा घूम सकते हैं। बनारसी भाई जी, सब पूछना चाहते हैं कि आप सभी इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो आप कौन सा लिटरेचर पढ़ते हो, कौन सी किताब पढ़ते हैं आप सभी? ओम शांति। सच बताएं तो पढ़ने लिखने में मेरे को पहले से भी इतना मन नहीं लगता। अपना कोर्स का किताब भी मैं बहुत डीप स्टडी किया हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन शुरू से उमंग था कुछ करना है। संस्था में आने के बाद भी यही उमंग है, कुछ पढ़ते नहीं है। भगवान जो पढ़ाता है उसको ध्यान से सुनता हूं और उसको जीवन में उतारता हूं। हमको सुख मिलता है तो हम सोचते हैं कि अरे हमारे कुलीग्स, हमारे साथी, उनको क्यों न शेयर करें। तो इसलिए आप लोगों को कष्ट देता हूं, साल में 2-3 बार कॉन्फ्रेंस करना, यहां करना और स्थानों पर जाकर करना, यही हमारा काम है, यही हमारा स्टडी है। बाकी कोई बुक स्टडी किया हो, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ, कोई कुछ, संतों के पास गया हूं, महात्माओं के पास गया हूं, सब धामों में गया हूं, लेकिन कुछ मिला नहीं। यहां जो मिला वो प्रभु प्रसाद हम बांटते रहते हैं दिन रात, यही धंधा। बाबा से भी योग करते हैं तो यही बातें करते हैं, बाबा हमारा जीवन आपने इतना अच्छा बनाया, तो हमारे साथी हैं वो तो बड़ा अनभिज्ञ हैं, कैसे उन तक हम पहुंचे, कैसे उनको आपकी संदेश दें, उनसे बातें करता रहता हूं। वो आपको भेजता है, नहीं तो मेरी हस्ती है क्या आप लोगों के इतने सीनियर डॉक्टर को बुलाने। हम पेशेंट लेके अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे जाते हैं तो घंटों ये बैठना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ऐसे सीनियर डॉक्टर्स आकर के बैठे हैं, मेरे को तो दिल भर जाता है। किसने ये किया है, उसकी कमाल है, उसका ही ये है। ओम शांति। थैंक यू सो मच डॉक्टर सतीश गुप्ता। सब प्रश्न सबने पूछा है कि क्या मेडिटेशन सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है या उसमें कुछ कैटेगरी है? सी, मेडिटेशन बेसिकली जो मेडिकेशन है वो सिम्टोमेटिकली क्योर करता है, सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं हम डिजीज के सिम्टम्स को। मेडिटेशन क्योर्स फ्रॉम विद इन। सी बेसिकली हम जब आत्मा हैं और आत्मा से 7 इननेट एनर्जीज हैं जो हमारी बॉडी की हर सेल में फ्लो कर रही है और उसी कारण हमारी बॉडी की हर सेल काम कर रही है। 80,000 बिलियन सेल्स जो कार्य कर रही हैं बिकॉज ऑफ दोज एनर्जीज। और वो कहीं वो एनर्जी की लैक होती है किसी ग्रुप ऑफ सेल्स में तो वहाँ डिसईज पैदा होती है, लॉस ऑफ ईज पैदा होती है, राइट। वहाँ मेटाबोलिज्म जो होता है वो कैटाबोलिज्म की तरफ ज़्यादा हो जाता है, राइट। फ्री रेडिकल्स ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, नेगेटिव केमिकल्स ज़्यादा पैदा, टॉक्सिन ज़्यादा एकोमुलेट हो जाते हैं वहाँ पर, and that is what causes disease, right? Now, when you do meditation, what is meditation? Meditation, you are connecting with the Supreme. आपके पास 7 energy कम हो गई हैं, परमात्मा जो है, God is ocean of 7 energies, powerhouse of 7 energies. जब उससे आप energy लेके उस अंग में या even सारी body में अपने आप जाती हैं, आपको special भेजने की भी आवश्यकता नहीं है, तो उसमें जाती हैं तो then you that heals you from within, right? Okay? उससे आपके अंदर जो हीलिंग आती है वो अंदर से हीलिंग आती है। जैसे आपको अगर चोट लग गई, आप उसके लिए ड्रेसिंग करते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, वो ड्रेसिंग से हीलिंग नहीं होती है, हीलिंग कम्स फ्रॉम विद इन, इजंट इट। तो
तो सेम वे मेडिटेशन अंदर से हील और हर डिजीज को करता है. इट हील्स एवरी डिजीज, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, एनीथिंग, चाहे वो एक्सीडेंट हो गया हो, हर चीज में रिकवरी फास्ट होती है. बट आई नेवर से दैट मेडिटेशन इज अलोन इज एनफ. मेडिटेशन विद मेडिकेशन, राइट, बोथ आर नेसेसरी. मेडिटेशन से रैपिड रिकवरी हो जाती है, राइट, रैपिड रिकवरी होगी. आप जो चीज आपके 2 महीने में होने वाली है वो 15 दिन में हो जाएगी, 15 दिन में होने वाली 5 दिन में हो जाएगी. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ इंटेंस मेडिटेशन यू डू. ओके, ओके, थैंक यू. सो मेडिटेशन हमारी बीमारियों को ठीक करने के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकता है. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं अपनी लाइफ में, तो उन लोगों को बहुत भयानक और अजीब सी बीमारियां नई वाली क्यों हो जाती है? एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पे, मेडिटेशन से एक फायदा ये भी होता है कि सपोज एक मैंने जो देखा है कीमोथेरेपी काम नहीं कर रही है, कैंसर का पेशेंट कीमोथेरेपी काम नहीं कर रही है, मेडिटेशन करने से वही कीमोथेरेपी काम करना शुरू कर देती है, राइट. एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही है, वही एंटीबायोटिक्स काम करना शुरू कर देती है जो पहले काम नहीं कर रही थी. द बैक्टीरिया वॉज रेजिस्टेंट टू दैट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो ये फैसिलिटी आपके अंदर, इम्यूनिटी आपकी अप हो जाती है और उससे आप बेटर डील कर पाते हैं जो भी आपको डिजीज है. डॉक्टर प्रताप, बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जो मेडिटेशन लंबे समय से कर रहे हैं, हु आर डूइंग इट फॉर लास्ट 30-40 years, व्हाई डू दे डेवलप डिजीजेस? ये बड़ा नेचुरल प्रश्न है. लोग कहते हैं व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल. अब देखिए, बड़ी विचित्र कहानी है. हम लोग जब से इस यूं कहें सृष्टि चक्र में आए हैं तो हमने बहुत स्थितियों से गुजरे हैं. सतो प्रधान भी थे, सतो भी थे, फिर रजो भी हुए, फिर तमो प्रधान भी हुए. तो ये बहुत हम लोग, हमारी जैसे हमारी नज़र थोड़ी दूर तक जाती है, लेकिन अगर हम त्रिकालदर्शी बनकर सोचें तो सबसे ज़रूरी चीज़ समझने की है कर्म फिलॉसफी. तो इसलिए हम ये नहीं समझें कि जो हमारे सामने आ रहा है वो बिना रीज़न के आ रहा है. मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, उसने कहा कि अगर आप अपने किसी मित्र को भी 10 साल के बाद किसी स्ट्रीट के कॉर्नर पर मिलते हैं, वो भी विदाउट रीज़न नहीं है, वो भी कर्म फिलॉसफी है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अभी तो साइंस हमें ये बताती है कि अगर हम कुछ करते भी नहीं है, केवल सोचते भी हैं किसी के लिए नेगेटिव, तो वो भी हमारा कर्मिक अकाउंट बन जाता है. इसलिए बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत है. मेडिटेशन से ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ मेडिटेटिव वे ऑफ लाइफ है, कि हम मेडिटेशन को यूज़ कैसे करते हैं अपने जीवन में. अब देखिए, हम पुस्तकें कितने भी पढ़ लें, लेकिन अगर उस पुस्तकों में जो इसेंस है उस सार को धारण नहीं करेंगे और उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे, तो कोई ना कोई छोटी ना छोटी भूलें होती रहती हैं और वो फिर आती हैं हमारे पास वापस. दे कम बैक टू अस. अनकंफर्टेबल हम महसूस करते हैं. हाँ, ये भगवान ने हमें बताया है कि जो योगी है उसके लिए जो चीज़ बहुत बड़ी सूली बनने वाली होती है वो कांटा बन जाती है. तो जैसे डॉक्टर गुप्ता ने भी कहा कि मेडिटेशन या योग या स्पिरिचुअलिटी से ये है कि हम अपनी इलनेस को भी कोप अप कर देते हैं. आपने देखा होगा बहुत लोगों के मन में प्रश्न उठता है, व्हाई मी, मेरा ही एक्सीडेंट क्यों हुआ, मेरे को ही कैंसर क्यों हुआ, व्हाई आई एम सफरिंग. वी नीड टू एक्सेप्ट. एक क्वेश्चन मन में उठता है, पर यह भी समझने की जरूरत है, नथिंग कम टू अस विदाउट रीजन. तो हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाएं, प्योर बनाएं, पावरफुल बनाएं, ताकि हम कुछ भी डिफिकल्टी आए उसको फेस कर सके. आजकल फिजिकल इलनेस से तो ज़्यादा मेंटल इलनेस चैलेंज है. सडनली हम देखते हैं कोई ब्राइट स्टूडेंट होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी प्रश्न होता है. तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कॉन्शियस को शिफ्ट करें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में, और ये एक्सेप्ट करें कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई रीज़न है. हो सकता है वही हमारे लाइफ में चेंज लाने के लिए.
जिसे हम डिसीज कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, कुछ भी होता है, दैट ओनली गिव्स अस रिमाइंडर दैट वी नीड टू चेंज. वी नीड टू रियली चेंज अवर लाइफस्टाइल. वी नीड टू चेंज, शिफ्ट अवर कॉन्शियसनेस. तो वो करने की जरूरत है. उस चीज को समझेंगे तो फिर प्रश्न नहीं होंगे. थैंक यू सो मच. सूरज भाई जी, सबने एक लीडिंग क्वेश्चन पूछा है कि आप सभी इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, परमात्मा को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं. सिंगल क्वेश्चन, क्या आप सभी प्योर सोल हैं? हाँ बिल्कुल हैं. इतना ही उत्तर आंसर चाहिए या और भी कुछ? और क्वालिफिकेशन चाहिए आपको? बिना प्योरिटी के तो हमारे यहाँ कोई ना डेडिकेटेड लाइफ जीता है, और बिना प्योरिटी के हम परमात्मा के समीप भी नहीं जा सकते हैं, उससे डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी नहीं कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन इसी के साथ बहुत लोगों ने पूछा है, बहुत बार पूछा है. आप कहते हैं जितना बड़ा गुनाह उतनी ज़्यादा माफ़ी या उतना ज़्यादा प्यार देना चाहिए, पर हम कैसे वो प्यार, बहुत ही जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं उनके लिए वो प्यार हम कहाँ से लाएं? उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, दिल्ली के 16 दिसंबर, बहुत सारे केसेस हैं, कि उनको हम प्यार या माफ़ी कैसे दे सकते हैं? देखिए, उनके लिए तो सजा ही वास्तविक प्रावधान है, लेकिन सजाओं के बाद भी लोग बदलते नहीं हैं, ये भी हम देख रहे हैं. क्षमा भाव का केवल ये अर्थ होता है कि उनके प्रति हमारे मन में नफरत न रहे, जबकि ये भी बड़ी नेचुरल चीज़ है. जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्राइम किए हैं उनसे सभी घृणा करते हैं, परंतु अगर हम उनके प्रति अच्छे वाइब्रेशंस देते हैं, लवफुल फीलिंग देते हैं, तो उनमें बदलने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है. जैसे कि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत सारी जेलों में प्रोग्राम चलाए जाते हैं, बहुत सारी जेलों में हमारे सेवा केंद्र चल रहे हैं, और अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स बदल गए हैं, इसलिए वो छूट भी गए हैं और अब वो बहुत अच्छे इंसान बन गए हैं. तो उसमें यही देखा कि वहाँ अच्छे योग के वाइब्रेशंस क्रिएट किए गए. मैं भी गया कई जगह, एक जगह तो बताया, मुझे सिटी का नाम याद नहीं आ रहा, एक बुजुर्ग सा व्यक्ति जिसकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई थी, और वो सभी कैदियों का मॉनिटर था वहाँ, और बताया कि इस पर इतने मर्डर्स का अभी वो था अभियोग, और बहुत ज़्यादा इसकी सजाएं थी, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा कुमारी ने वहाँ कार्यक्रम शुरू किया, गुड विशेष के द्वारा, प्यार के द्वारा, वो सबसे पहले बदला, और इसलिए अब उसको लीडर बनाया गया है दूसरे कैदियों को बदलने के लिए. और आप ये जानकर हर्षित होंगे कि 100 कैदी वहाँ के बाकायदे सफ़ेद ड्रेस में ब्रह्मा कुमार थे, और वहाँ से कोई फीलिंग नहीं होती थी कि इनमें कोई गलत संस्कार है. छोटी सी बात सुनाऊँ, वहाँ का जेल सुपरिंटेंडेंट भी हमारे साथ स्टेज पर बैठा, जब उसको कहा गया कुछ बोलो, तो उसने क्या बोला कि जब मैं यहाँ पर आया तो इनमें से ही 50 लोग थे जिन्होंने नारे लगाए थे, जेलर साहब वापिस जाओ, और अब ये मेरा वेलकम करते हैं रोज. तो इतना बड़ा चेंज केवल मानसिक सुभावनाएं और प्यार से है, बाकी सजाएं तो उनको मिलती हैं. ये तो नहीं कि जज उनको माफ़ कर देगा कि तुमने 100 लोगों को मारा, चलो आई फॉरगिव यू, वो तो उनकी सजा है ही. थैंक यू सो मच. इसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका है. अगला प्रश्न ये भी था कि क्या उन पर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? वो होनी चाहिए. जेल्स का, जैसे भाई साहब ने बताया, जब हम मैसूर में पढ़ाई करते थे MBBS के, तो खुद हम अपनी टीचर्स के साथ मैसूर की जेल में बहुत बार गए हैं. वहाँ पर रेगुलर मुरली क्लासेस चलती हैं, और ऐसे बहुत सारे शहरों में जेल्स में राजयोगा मेडिटेशन के सेंटर्स हैं. बनारसी भाई जी, सब पूछते हैं कि आपकी संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसमें कुमारी का क्या अर्थ है? भारत की मान्यता है, कहानी कहावत भी है, शास्त्रों में भी ऐसा मान्यता है, जत्र पूजन्ते नारियां तत्र रमन्ते देवता.
जहाँ नारियों की शक्तियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, ये परंपरा हमारे भारत की है। बाबा ने जब इस सृष्टि पर शिव बाबा का अवतरण हुआ तो बाबा ने देखा कि ये देवियाँ, ये नारियाँ, ये शक्तियाँ वंदे मातरम कहते हैं, उन माताओं का क्या हाल हो रहा है, क्या ये हो रही है, आप सब जानते हैं, आप सब देखते हैं। तो बाबा ने आकर के, बाबा के नज़रों में तो आत्मा आत्मा भाई भाई है, फिर भी बाबा ने आकर के माताओं को, अबलाओं को, जिनको पुरुषों ने, महात्माओं ने, दुनिया ने पीछे रखा, उन नारियों को, उन माताओं बहनों को बाबा ने ज्ञान का कलश रख करके उनको आगे रखा। ये नारियां स्वर्ग की द्वार खोलने वाली है, ये शक्तियां स्वर्ग की द्वार खोलने वाली है, इसलिए इस संस्था का नाम, काम भाई करते हैं, काम हम लोग करते हैं, नाम हमारी बहनों का है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ने माताओं बहनों को आगे रखा और हम लोगों को कहा, माताएं बहनें आगे रहेंगी तो आप लोग सेफ्टी में रहोगे, तो माताओं बहनों को आगे रखो। इसीलिए बाबा ने रखा तो हम लोग भी वंदे मातरम कह करके चलते हैं। जो दादी जी, जो हमारी दीदियां, जो हमारी बड़ी बहनें आज्ञा देती है, वो सेवा करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर सतीश गुप्ता। सबने पूछा है, जो आपने कैड प्रोजेक्ट किया था तो उसमें आपने साइको एनालिसिस के टेस्ट किए थे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीएबीजी, किसी का सीएबीजी का ऑपरेशन 2009 में हुआ है, तो क्या शॉर्ट प्रैक्टिकल टिप्स आप उनको दे सकते हैं तो फर्दर वो हेल्दी रहे और टू प्रिवेंट द फर्दर कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहला टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है वो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। जैसे मैंने बताया कि हर ब्लॉक के पीछे कुछ ना कुछ आपके थॉट पैटर्न्स रहते हैं। जैसे हमारे कुछ एरियाज है ना कॉर्टेक्स में, डिफरेंट एरियाज है, आपका मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, स्पीच एरिया लेफ्ट साइड में है ना, आपके विजुअल एरियाज हैं पीछे, ऑडिटरी एरियाज हैं, डिफरेंट एरियाज हैं। ऐसे ही हमारे जो कॉरोनरी आर्टरी है, अगर एलईडी है, एलएमसीए है, उसका ऑस्टियल है या प्रॉक्सिमल या मिड है या डिस्टल है, एलईडी का अगर प्रॉक्सिमल मिड डिस्टल कोई भी एरिया है, या उसकी पहली ब्रांच D1 D2 है, या L6 पीछे वाली आर्टरी है, या RCA है, उसके हर रीजन कोई ना कोई हमारे थॉट पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करता है, और वो थॉट पैटर्न्स हमारे उस एरिया की एंडोथेलियम को डैमेज करते हैं, और उसी जगह पर फिर वो कोलेस्ट्रॉल, जो भी LDL है, जो ऑक्सीडाइज LDL या LDL, उसी जगह वो परमिलिटी बढ़ती है, उसी जगह ये डिपॉजिट होता है। और ये अभी से नहीं, 10 साल की उम्र से, 11 साल की उम्र से, इवन उससे पहले भी, राइट, जो थॉट पैटर्न्स उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स उसके बने उसी के अनुसार, तो उसके अनुसार ही उसके फिर ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं। तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, बल्कि हम पहला दिन ही जब पेशेंट्स आते हैं, हमारा एक DIPR है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, वो हमारे साथ शुरू से इसमें कोलाबोरेशन कर रहा था, तो वहाँ के साइंटिस्ट ही आकर के ये हमें वो क्वेश्चनर्स डेवलप किए, उनको इंडियन तरीके से स्टैंडर्डाइज किया, और वो क्वेश्चनर्स हम उनको पहले दिन देते हैं, और दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को देते हैं, स्पाउस को भी साथ में दोनों को देते हैं, और उसको फिर एक की होती है, की के अनुसार एनालाइज करते हैं, और 7th डे फिर दोबारा उनको क्वेश्चनर दे जाते हैं, जाने वाले दिन 7th डे फिर ना, सो देन अगेन दे रिफिल विद 7 डेज ऑफ ट्रेनिंग, 6 डेज ऑफ ट्रेनिंग, उनके अंदर क्या चेंज आया, वो टाइप ए बिहेवियर में, एंजाइटी में, एंगर में, डिप्रेशन में, फीलिंग ऑफ वेलबींग में, या उसके जो लाइफस्टाइल है, ओवरऑल लाइफस्टाइल है, तो इस तरह से उनको हम देते हैं, और उससे जो है उनका परिवर्तन होता है। वी हैव सीन दैट इट चेंजेस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो बाईपास के, जो सपोज बाईपास जिसने अभी कराया है, यही क्वेश्चन है ना, बाईपास जिसने अभी रिसेंटली कराया है, यस 2009 में कराया है। सी, बाईपास जो हम कराते हैं बेसिकली, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ बाईपास इज ओनली टाइम पास, क्योंकि बेसिक कॉज जो हुआ था वो तो बाईपास जो आपने किया, ब्लॉक्स तो वहीं है, आपने सिर्फ उनको बाईपास कर लिया, आपने कुछ समय के लिए टाइम खरीद लिया है। अगर इफ यू डू नॉट चेंज योर थॉट पैटर्न्स, यू डू नॉट चेंज योर लाइफस्टाइल, तो ब्लॉक विल कम बैक, उसके आगे ब्लॉक आ जाएगा, जहाँ आपने ग्राफ्ट लगाया उसके आगे ब्लॉक आ जाएगा, या ग्राफ्ट ही बंद हो जाएगा और वो ग्राफ्ट बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू चेंज योर थॉट पैटर्न। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसने भी किया है, 2014 में कराया, 2009 में कराया, 2012 में, जब भी कराया,
उकरा लिया, अच्छी बात आपने किया, बट नाउ चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर थॉट. थैंक यू. सी, और मेडिटेशन इज अ वे ऑफ लाइफ. जैसे प्रताप भाई ने बताया, यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ लाइफ. थिंकिंग बदलनी है, आउटर सेल्फ से इनर सेल्फ कॉन्शियस होना है. वो दिन रात का काम है, सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक है. ये नहीं कि आपने आधा घंटा सुबह मेडिटेशन कर लिया, आधा घंटा शाम, ऐसा नहीं है. दैट इज नॉट राजयोगा. राजयोगा मीन्स चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम आउटर सेल्फ टू इनर सेल्फ. थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रताप. दे वॉन्ट टू नो वॉट इज सेलिबेसी और ब्रह्मचर्या, इज इट असेंशियल फॉर अ राजयोगी लाइफ स्टाइल और अ स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल? देखिए, ऐसा है, हम जब बात करते हैं सोल कॉन्शियसनेस की, आत्म अभिमानी बनने की, तो मैंने ये देखा है कि उसके बाद कुछ एफर्ट नहीं करनी पड़ती. हमने एक स्टडी की थी, उस स्टडी में हमने बेसिस बनाया था, लोगों से पूछा कि आप राजयोग के अभ्यास से पहले आपके स्वभाव में या आप एडिक्शंस में थे तो क्या हुआ. तो उन्होंने कहा कि हमें लगा कि जब हमने मेडिटेटिव वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट किया, उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी. तो जो परमात्मा द्वारा हमें ज्ञान मिला, उसके आधार पे हमने ये समझा कि शुद्ध और पवित्र जीवन व्यतीत करना क्यों ज़रूरी है. तो हमारे लिए ये नेचुरल हो गया. ऐसे तो ब्रह्मचर्य का महत्व हमारे शास्त्रों में है, हमारे महात्माओं ने भी कहा, और हम लोग सभी ये भी जानते हैं कि कुछ हमारे त्यौहार होते हैं, कुछ हमारे नियम होते हैं, उन दिनों में हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं. क्यों करते हैं? हम समझते हैं कि ये आध्यात्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है. तो यहाँ तो पूर्ण ही जीवन को परिवर्तन करने की ज़रूरत है. तो हम तो इसको फर्स्ट स्टेप मानते हैं सेलिबेसी, कि अगर हमें अपने जीवन में दिव्य गुणों का विकास करना है तो उसके लिए एसेंशियल है. हाँ, हर एक की अपना अपना जीवन का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन जो लक्ष्य हमने अपने जीवन के लिए चुना है कि देव पद की प्राप्ति करनी है या भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, तो उसके लिए ये एक एसेंशियल फर्स्ट स्टेप है. ये हमें ज़रूर समझने की ज़रूरत है, उसको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है. जैसे गांधी जी ने भी अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, तो मैं तो ये कहूँगा कुछ दिन आप इसको एक एक्सपीरियंस, इस लाइफ को जी कर देखें, ब्रह्मचर्य की लाइफ को, सेलिबेसी को अपनी लाइफ में देखें, और फिर देखें आपका बुद्धि योग परमात्मा के साथ कितना जुटता है. आप खुद ही अनुभव करेंगे. जैसे हमारे से कुछ शुद्ध अन्न की भी बात करते हैं, ये जो भी नियम है ये हमारे राजयोगी लाइफस्टाइल की फाउंडेशन है, चाहे वो शुद्ध भोजन की बात है या ब्रह्मचर्य की बात है या कुछ अपनी धारणाओं को परिवर्तन करने की बात है. इससे बिग चैलेंज, इसको एक्सेप्ट करना शुरू में मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप अपनी लाइफ में खुद ही अनुभव करेंगे ये कितना ज़रूरी है, इसको अनुभव करने की बात है. थैंक यू सो मच. इसी से कनेक्टेड एक और क्वेश्चन है एक ब्रदर का, सूरज भाई जी आपसे पूछा है कि आई एम 65 ईयर ओल्ड, और इसी से कनेक्टेड कि मुझे फिजिकल अट्रैक्शन ही इज़ हैविंग टू मच एंड माय वाइफ डाइड 8 years back. प्लीज़ टेक मी आउट ऑफ दिस. केवल एक प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जिसको भी देखें मस्तक के मध्य में चमकती हुई आत्मा देखें, थोड़ा ही दिन इस पर अटेंशन देंगे तो ये बॉडीली अट्रैक्शन समाप्त हो जाएगा. थोड़ा चिंतन भी कर लें कि बॉडी विनाशी है, आत्मा ही अविनाशी है, असली शक्ति आत्मा है, तो थोड़ा चिंतन और आत्मिक दृष्टि से ये अट्रैक्शन समाप्त हो जाएगा. थैंक यू. बनारसी भाई जी, जैसे यहाँ पे आयुर्वेदा और नर्सिंग होम्योपैथी के डॉक्टर्स भी आए हैं, स्पेशली आयुर्वेदा ने कहा है कि आयुर्वेदा को हम कितना प्रमोट कर सकते हैं और आपके ग्लोबल हॉस्पिटल में आयुर्वेदा का कितना स्थान है, आप कितना इम्पोर्टेंस देते हैं या उसमें कुछ वो कर सकते हैं, और डू यू हैव अ प्लेस इन आयुर्वेदा इन ग्लोबल हॉस्पिटल? आयुर्वेदा के लिए, होम्योपैथी के लिए, हमारी दादी जी, जो बड़ी दादी थी, उनको बहुत रेस्पेक्ट था और बहुत इस पैथी को मानती थी, और हम लोग भी इस पैथी को मानते हैं, आयुर्वेदा को और होम्योपैथी को.
तो हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में नहीं बल्कि हमारे जो भी कैंपस है वहाँ आयुर्वेदा का भी थोड़ा है और होम्योपैथी तो फुल है, चाहे पांडव भवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे शांतिवन, और ग्लोबल हॉस्पिटल में आयुर्वेदा का डिपार्टमेंट है, पंचकर्मा का डिपार्टमेंट है और होम्योपैथी का डिपार्टमेंट है, होम्योपैथी फुल फ्लेज्ड क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और हम लोग अच्छे मेडिटेशन के द्वारा होम्योपैथी आयुर्वेदा क्या क्या काम करता है इस पर रिसर्च भी काफ़ी किए हुए हैं, जिसमें ये सबसे ज़्यादा ये देखा गया है लोग ड्रग्स लेते हैं, शराब सिगरेट लेते हैं, उसमें आयुर्वेदा और होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करता है। और हम ऐसे तो सभी पैथी को रेस्पेक्ट देते हैं और इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस किया, नहीं तो लोग उलाहना मुझे देते थे कि बनारसी भाई आप तो बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाते हैं, होम्योपैथी आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ये क्या गुनाह किया है कि आप कभी बुलाते नहीं हैं। तो इस बार हम सभी पैथी के हेड को बुलाए हैं, हमारी नर्सेज बहनों को भी बुलाए हैं जो हेड्स हैं, नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, तो सभी पैथी के आज इस सभा में भाई बहने बैठे हैं, हम सबका स्वागत करते हैं और हमारी संस्था सबको सम्मान करती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सतीश गुप्ता। एक बहन हमसे पूछ रही थी कि क्रिटिसिज्म से हम कैसे डील करें, कि अगर हमारा फैमिली मेंबर लगातार कई वर्षों तक हमें क्रिटिसाइज करें फिर भी हम पोलाइट करें, पोलाइट से बिहेव करते हैं, इट हैज बीन ईयर्स, उनके हिसाब से 20 साल हो चुके हैं वो पोलाइट है, वो फिर भी क्रिटिसाइज करते हैं, इसको हम कैसे डील कर सकते हैं? सी बेसिकली अगर हमें कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कार्मिक फिलॉसफी, अगर हमें कोई क्रिटिसाइज, मैंने जैसे पहले भी दिन में ही बात की ड्रामा, इस संसार में हम सब जो इकट्ठे हुए हैं, इवन पति पत्नी बने हैं या माता पिता हमारे हैं या भाई बहन हैं या जो भी हम इकट्ठे हुए हैं, जिस भी रिलेशनशिप में आए हैं, इट्स बिकॉज ऑफ पास्ट अकाउंट्स, पिछले जन्मों के हमारे कर्म उसके लिए जिम्मेवार हैं, राइट, और उस जन्म में हमने क्या किया है उनके साथ वही हमको वापस रिटर्न कर रहे हैं। अगर हमने किसी जन्म में जो हमारा साथी है या जो भी है, या सास हो सकती है या जो व्हाटएवर, अगर हम उसको पिछले जन्म में किसी ना किसी रूप में उसको क्रिटिसाइज करते रहे हैं तो इस जन्म में वो हमें इस जन्म में क्रिटिसाइज करेंगे, हमने दुख दिया है तो वो दुख देंगे और विद इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट समझते हैं ब्याज ना, अगर 100 साल का मैं एक बार ब्याज जोड़ रहा था, अगर किसी से आपने 500 रुपये उधार लिया हो, ये 20 साल की जो बात है, 20 साल से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो 20 साल अगर 100 साल पहले किसी से आपने 500 रुपये उधार लिया हो और पहले के इंटरेस्ट रेट से चलें तो 100 साल के बाद वो ब्याज, उसका ब्याज हो जाता 52 करोड़ 48 लाख रुपया, तो मूलधन देना तो बहुत सहज है, 500 रुपया दे सकते हो अभी निकाल के, तो ब्याज कितने दिन चलेगा उसका। तो अगर हमने थोड़ा सा भी गलत किया हुआ है तो इस जन्म में वो आत्मा हमारे साथ, उसका हम अकाउंट सहन करते करते भी पूरा नहीं होता है, राइट, इसलिए परमात्मा की याद के द्वारा हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली, हम राजयोगी बच्चे क्या करते हैं जो राजयोग सीखते हैं, ये राजयोग प्रैक्टिस करते हैं, हम पर, कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, हमें ब्लेम करता है, व्हाटएवर कुछ भी करते हैं, तो हमें उन पर रहम आता है, हमें उन पर गुस्सा नहीं आता है, हम इरिटेट नहीं होते हैं कि ये आत्मा अपने स्वमान को भूल करके जो उसकी नेचुरल इनेट एनर्जी है, पीस है, लव है, हैप्पीनेस है, वो इसके पास नहीं है, वो इसकी बजाय मुझे देख करके और देह को देख के या व्हाटएवर जो मेरे पास को देखते हुए अपने दुख के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल समझती है, तो इसलिए हमें उस पर रहम आता है, इसलिए हम उसको उस नज़र से नहीं देखते हैं और उसको हम बहुत प्यार से समझाते भी नहीं हैं, किंतु उसको प्रति हमेशा एक रेस्पेक्ट रखते हैं, प्यार रखते हैं। व्हाट इज लव? लव की डेफिनेशन क्या है? अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल केयर फॉर एवरीवन। कंडीशनल केयर इज कॉल्ड, इससे सब बीमारियां पैदा हो रही हैं। अनकंडीशनल, जो जैसा भी है उस कुछ भी कर रहा है उसकी मुझे केयर करनी रेस्पेक्ट आदर के साथ, ये है लव, तो उसको हम करते हैं। थैंक यू। उससे हमें फील नहीं होता कि हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, लगता है कि हम हल्के होते जा रहे हैं।
थैंक यू. फिर तो हमें पोलाइटनेस भी इंटरेस्ट के साथ देनी पड़ेगी. आई थिंक दैट मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. हाँ, पोलाइटनेस का भी इंटरेस्ट काफी होता है. आपने अगर पिछले जन्म में नम्रता से व्यवहार किया तो आपको इस जन्म में काफी लोग मिलते हैं जो आपसे बहुत नम्रता से व्यवहार, बहुत प्यार से व्यवहार करते हैं. राइट, थैंक यू सो मच. सूरज भाई जी, ड्रामा की बात चली थी, 5000 ईयर्स का साइकिल है ऐसा इन्होंने सुना कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, एग्जैक्टली रिपीट होगा. तो वो पूछना चाहते हैं कि फिर हमें भी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि पहले भी मेहनत की थी तो रिपीट हो रहा, तो मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है. क्योंकि मेहनत की थी इसलिए संकल्प आता है मेहनत करने का. सब कुछ रिपीट होता है ना, तो कर्म भी और फल भी, मेहनत भी और जो डल है वो डलनेस भी. तो जिन्होंने मेहनत की है वो फिर करेंगे. फिर साथ ही में ये पूछते हैं कि जो जीवन अब तक बीता है अगर उसको बदलना चाहे तो अगले कल्प में कैसे बदलें? पास्ट को बदलने की शक्ति किसी में नहीं है, फ्यूचर को बदलने की सोचेंगे. पास्ट तो जो अब से एक सेकंड पहले भी हो गया उसको भी कोई नहीं बदल सकता, वो संकल्प ही रॉन्ग हो जाता है. थैंक यू सो मच. प्रताप भाई जी, एक प्रश्न सुबह भी आया था कि सोल गर्भ में कब प्रवेश करती है, उसका कुछ हमें क्लियर कट आंसर नहीं, इस पे आप क्या कह सकते हैं? साथ ही साथ इससे रिलेटेड कि देन व्हाई अबॉर्शन हैपेंस, हाउ टू एक्सप्लेन अबॉर्शन? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है. देखिए ऐसा है, ये भी सब बात अनुभव से. हम तो साइंस में भी वायबल कब होता है फीटस वो हम सब समझते हैं कि कब वायबिलिटी होती है, पर एबॉर्शन क्यों करते हैं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. सोशल रीजंस भी हो जाते हैं, कभी कोई मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं. पर ये समझने की बात है कि हम ये समझें कि वायबिलिटी क्यों हम जानना चाहते हैं, क्यों जानना चाहते हैं. लाइफ प्रेशियस है, उसको प्रिजर्व करना मेडिकल प्रोफेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इट इज़ ए ह्यूमन एक्ट ऑल्सो. लेकिन जब कोई मेडिकल रीज़न हो, कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, कुछ रीज़न बन जाते हैं, कोई रिस्क हो जाता है, तो वो फिर एबॉर्शन मेडिकल रीज़न से हम करते हैं तो वो अलग बात है. लेकिन आज जो हम यूं कहें, हम समझते हैं कि ये शायद हमारी फ्रीडम है, शायद ये हमारे लिए, ये सोसाइटी एडवांस हो गई है इसलिए, वो नहीं बात है. उस बात में मैं सहमत नहीं, पर मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि लाइफ इन एनी फॉर्म शुड बी रिस्पेक्टेड, उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है. और वो मेडिकल प्रोफेशन, बीइंग इन द मेडिकल प्रोफेशन, आज ये जो पीसीपी एनडीटी का क्वेश्चन चल रहा है, इतना शायद एक व्यक्ति की भूल की वजह से कितने लोगों को मुश्किल में जाना पड़ता है. तो हम अगर लाइफ को रिस्पेक्ट करेंगे तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा. थैंक यू सो मच. बनारसी भाई जी, हम सुन रहे हैं कि आत्मा परमात्मा को याद करेगी तो प्योर बनेगी, प्योर बनेगी तो सतयुग आएगा. तो लेकिन इस नेचर का क्या होगा, इस नेचर का परिवर्तन कैसे होगा? प्रकृति, बाबा हमेशा कहते हैं कि प्रकृति ये पांच तत्व आपकी रचना है. तो हम जब प्योर बनेंगे, हमारी आत्मा प्योर बनेगी, परमात्मा से हम पावर लेंगे, तो जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण, जैसे आप लोग अपने घर से आए हैं तो इस कैंपस में आते कैसे लगा? बहुत अच्छा, सगुण, बहुत सुंदर लगा. क्यों लगा? क्योंकि यहाँ 24 घंटा अखंड योग चलता है. योग से ये वातावरण, मैं यहाँ 45 साल से हूँ, 20 साल पहले ये भूतों का अड्डा था. मतलब कहने का भाव कि इस रोड से कोई जाते नहीं थे अंधेरे में. आज वही रोड है, वही भूमि है, तपस्या से ये चमन बन गया. लोग आते कहते हैं कि अरे ये तो दूसरी स्थान है. तो हम लोग, हम सभी तपस्या करेंगे, प्रकृति को वाइब्रेशन देंगे. तपस्या क्या है? वाइब्रेशन देते हैं. हम सुबह उठ करके क्या करते हैं? हम प्योर आत्मा हैं तो प्रकृति को क्या चाहिए? आज दुखी है, क्रोध में है, कई विकारों के उसको झेलना पड़ रहा है, वाइब्रेशन वो सहन कर रही है.
हम शुद्ध वाइब्रेशन देंगे तो उसको राहत मिलेगी। जैसे कोई पेशेंट है, आप दवाई देते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं तो उसको आराम मिलता है। तो प्रकृति आज दुखी है विकारों के चलते, तो हम लोग योग करते हैं, उसको वाइब्रेशन देते हैं तो उसको राहत मिलती है, वो प्रकृति हमारी दासी होगी। तो हम सबका काम है, परमात्मा यही हम बच्चों को सिखाते हैं, आप लोगों को भी यही सिखाया गया है, सुबह उठ करके एक दूसरे के लिए वाइब्रेशन दें। वो वाइब्रेशन देंगे तो पेड़ पौधों को, प्रकृति को, पांच तत्वों को भी वो लगेगा और पांच तत्व हमारे साथ सत्व प्रधान बनेंगे। जैसे पहले के ऋषि मुनि भगवान को नहीं जानते थे लेकिन हठ योग से तपस्या करते थे, हिंसक प्राणी भी उनके पास आकर के बैठ जाता था, शेर चीते आकर के बैठ जाते थे, हिंसा भूल जाते थे। हम तो परमात्मा को मान करके योग करते हैं तो हमारा वाइब्रेशन प्रकृति को नहीं लगेगा? लगेगा। हम लोग योग करें, प्रकृति को मदद मिलेगी। बहुत सुंदर डॉक्टर सतीश गुप्ता, जैसे डॉक्टर प्रताप भाई ने फूड की बात की थी, तो ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि प्याज और लहसुन छोड़ने की हमें क्या जरूरत है, और इसी के साथ कि आप कैड में डाइट का रोल बताते हैं, देन विच ऑयल इज द बेस्ट फॉर द डाइट, विच ऑयल? ऑयल सी बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है डाइट का, एक तो डाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी डाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो है लो फैट हाई फाइबर बैलेंस्ड वेजिटेरियन डाइट। मतलब इसमें जब मैं बैलेंस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसमें फैट भी है, प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, सारे मिनरल्स भी है, वाटर भी एडिक्वेट अमाउंट में। और इसको दूसरा जो हम कॉन्सेप्ट इसमें देते हैं वो है शुद्ध सात्विक भोजन। तीन तरह का भोजन कहा गया है, सात्विक भोजन, त्रासिक भोजन, तामसिक भोजन, राइट? सात्विक भोजन वो है जो आत्मा के सात गुणों को बढ़ाता है, जो आत्मा की मैंने बताई ना दिन में 7 innate एनर्जीज बताई, KP² LHBP है ना, लो हाई ब्लड प्रेशर, 7 innate एनर्जीज जो आत्मा की हैं उनको बढ़ाता है। कुछ भोजन जैसे फल आप खाएंगे, अंकुरित खाएंगे, रोटी सब्जी खाते हैं, दूध पीते हैं, तो ये ऐसे फूड हैं जो कि सात्विक एनर्जी को बढ़ाएगा। इससे आपके अंदर शांति पैदा होगी, आप लवफुल रहेंगे, आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी, वो इजीली डाइजेस्टिबल हैं। कुछ फूड ऐसे हैं जो रासिक भोजन है, जैसे कि तले हुए पदार्थ, गरिष्ठ पदार्थ, पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाई जितनी हैं, ये क्या करते हैं, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, डाइजेशन में ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो ये आपके अंदर लेजीनेस पैदा करते हैं, आलस पैदा करते हैं, केयरलेसनेस पैदा करते हैं, इसलिए रासिक भोजन कहलाते हैं। और तामसिक भोजन वो कहलाते हैं जो होते हैं जो कि आपके अंदर आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को ओवर एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, राइट? तो उससे आपके अंदर उत्तेजना पैदा होती है, एंजाइटी पैदा होती है, फियर पैदा होता है, एंगर पैदा होता है, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड है, एक ये फूड्स हैं आपके, जो भी आजकल जो फास्ट, क्या बोलते हैं, जो फास्ट फूड्स हैं, जितने भी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हॉट ड्रिंक्स हैं, सारे के सारे। और ये प्रूवन है, ये भी बात प्रूवन है कि लहसुन मतलब गार्लिक एंड अनियन बोथ आर तामसिक, ये आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, राइट? और सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होने से फिर आपके अंदर क्या होगा, आपकी ईईजी चेंज हो जाती है। इस पर एक स्टडी भी आई थी पीछे गार्लिक के ऊपर, हाउ द ईईजी चेंजेस विद गार्लिक, है ना, तो ईईजी आपकी रिदम चेंज हो जाती है, बीटा प्लस में चले जाएंगे आप। और मैं आपके जहाँ हार्ट की आर्टरी की मैं बात करूँ, तो हार्ट की आर्टरीज में जो ब्लॉकेजेस हैं वो 30% तो फूड से होता है, एंडोथीलियम आपकी डैमेज उसमें जाएगा, 70% जो होता है वो आपके लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है उससे आता है, और लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, LDL बनता है, वो आपके मन से बनता है। जब आप जल्दी में हैं, चिंता में हैं, गुस्सा में, तो आपका लीवर ज़्यादा मात्रा में LDL बना रहा है, HDL कम बना रहा है, और ज़्यादा क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा बना रहा है, राइट? तो अब अगर इसी तरह से आप देख लीजिए, 70% डिजीज, अगर आप कहें चलो आपका LDL कम हो गया, LDL इज नॉट द ओनली फैक्टर, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द ओनली फैक्टर, अदर आज कोलेस्ट्रॉल को हम गिनते ही नहीं है एज ए कॉजेटिव फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, इट इज ए सेकेंडरी फैक्टर, प्राइमरी फैक्टर दूसरे फैक्टर्स है, उसमें पोल्यूशन है, आपका मेंटल स्ट्रेस है, और दूसरे फैक्टर्स हैं, जीन्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है, ना कि कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल सेकेंडरी फैक्टर है, ठीक है? इसलिए हम टू मच इंपॉर्टेंस इसको ना दें कि कोलेस्ट्रॉल 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 इज नॉट समथिंग बैड,
आज भी हम पहले कोलेस्ट्रॉल के पीछे लगे हुए थे, लेटेस्ट रिसर्च बता रही है कोलेस्ट्रॉल इज नॉट समथिंग विच इज वेरी बैड, इट इज एसेंशियल थिंग जिससे हमारी सेल्स की मेम्ब्रेन बनती है और लगभग 80% हार्मोन्स हमारे कोलेस्ट्रॉल उसकी बेसिक मॉइटी है, ठीक है। और क्या पूछा था, और कुछ पूछा था? ऑयल, हाँ ऑयल। सी ऑयल हम मिक्स ऑयल्स यूजली यूज करते हैं क्योंकि कोई भी ऑयल परफेक्ट ऑयल नहीं है। जो बेसिक रेपसीड ऑयल था वो विच इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया वो नियर परफेक्ट ऑयल है, किंतु हम क्या करते हैं जैसे पेशेंट्स को बताते हैं कि सोयाबीन ऑयल, एक दिन सोयाबीन ऑयल यूज़ कर लें, एक दिन राइस ब्रान यूज़ कर लें, एक वाले ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, तो डिफरेंट ऑयल्स हम यूज़ कर सकते हैं। आजकल मिक्स ऑयल भी आने लगे हैं, पर डिफरेंट ऑयल्स हम दो तीन तरह के ऑयल्स अलग अलग दिन यूज़ कर सकते हैं, या सुबह दूसरा तीसरा, सुबह के टाइम कुछ और, शाम को कुछ और। और ये भी ध्यान रखें कि ऑयल बहुत ज़्यादा खाने से, ये नहीं कि हमने ऑयल ले रहे तो हमें हार्ट की बीमारी नहीं होगी, मतलब ऑयल का भी एक अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है, 10 ml से ज़्यादा नहीं लेना है। कई लोग फिर ऑयल फिर वो चम्मच भर भर के डालते रहते हैं ना खाने में, वो भी गलत है, राइट। तो अवर कैलोरीज शुड बी लिमिटेड फ्रॉम, क्योंकि 10% तो हमारा जो फैट है वो अनसीन होता है, मतलब विच इज ऑलवेज देयर इन द एवरी फूड, और हम 10 ml ऊपर से ले लें। थैंक यू सो मच। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, हाँ मस्टर्ड ऑयल ठीक है। मस्टर्ड ऑयल के बारे में कुछ स्टडीज ने बताया कि उसमें मिक्सिंग होती है आर्जियम मेक्सिकाना की, एपिडेमिक ड्रॉपसी हो जाती है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल इज ए गुड थिंग, बट अगर प्योर मिले तो okay. पर कई बार मिक्स हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। सूरज भाई जी, अगर हमने बहुत बड़ी कोई गलती की है तो परमात्मा से माफी मांग के क्या माफी मिल जाएगी, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि गिल्ट को कैसे ओवरकम करें। देखिए, कोई बार बार गलती करता रहे और भगवान के द्वार पर जाके माफ़ी मांगता रहे, जैसे क्रिश्चियन फिलोसोफी में है, हर संडे को जाएंगे, आले में मुंह डालेंगे, अपनी गलती सुनाएंगे और माफ़ होके आगे वापिस, तो 6 दिन गलती करते रहते हैं, 7वें दिन माफ़ी मांग लेते हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं, माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी कर्म मनुष्य करता है उसका फल तो उसे मिलता ही है। लेकिन अगर मनुष्य अपनी गलतियों को रियलाइज कर ले, बड़ी गलती हो या छोटी हो, उसे डीपली महसूस करके फिर न करने का संकल्प कर ले, तो उसे परमात्मा शक्तियां मिल जाती हैं, बल मिल जाता है, इसको ही क्षमादान कहा जाता है। और रही बात गिल्टी कॉन्शियस की, बहुतों के साथ ऐसा हो जाता है, अपने से कुछ गलती हो गई, बचपन में हो गई और किसी कर्म में हो गई, बहुत गिल्टी फीलिंग रहती है। हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी में और राजयोग में एक बहुत अच्छा अभ्यास है जिसे हम स्वमान कहते हैं, सेल्फ एस्टीम, उसको बहुत अच्छा अभ्यास करने से ये गिल्टी फीलिंग समाप्त हो जाती है। और उसमें भी यही कि कुछ भी हमसे हो गया है उसे लाइट करके अब सदा के लिए उससे हम बाहर आ गए, और उसकी जगह हमने बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर लिए, तो बार बार उसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो स्वमान के अभ्यास से वैसे ही वो लाइट हो जाती है, और हमें ऐसा चिंतन करके भी उसे भुला देना चाहिए, अन्यथा वो गिल्टी फीलिंग हमारे और कर्मों पर भी प्रभाव डालेगी और भविष्य में भी हमसे कुछ ना कुछ गलती होती ही रहेंगी। पश्चाताप इसे ही कहते हैं कि हमने उसे रियलाइज कर लिया, भगवान के आगे क्षमा याचना कर ली, बस, तो उससे हम मुक्त होने का बल परमात्मा से प्राप्त कर लेंगे। थोड़ी हमारी दृढ़ इच्छा हो कि हमें इससे मुक्त होना है और हमने परमात्मा के आगे सत्य बात रख दी, तो उसका बल मिल जाता है और हम जल्दी मुक्त हो जाते हैं। यही पश्चाताप का महत्व है। कर्मों का फल तो मिलेगा ही, लेकिन उस टाइम उसका जो इफेक्ट रहता है दिमाग पर वो हल्का हो जाएगा। देखिए, मुरली ज्ञान है वो भी लेना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन के लिए ज्ञान की भी बहुत आवश्यकता है, इसलिए दोनों की ही जरूरत है, दोनों पर ध्यान दें। बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको हम बताना चाहते हैं कि जैसे 4 बजे हम यहाँ आकर मेडिटेशन करते हैं, तो कल सुबह भी 4 बजे यही मेडिटेशन की क्लास होगी। डॉक्टर प्रताप भाई, एक हमारी नर्स बहन ने प्रश्न पूछा है कि
सूरज भाई जी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको जाना है. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. एक नर्स बहन इस कॉन्फ्रेंस में आई है, वो कहती है कि मैंने तो सब रियलाइज किया एंड शी गॉट दिस नॉलेज, बट उनके पति बहुत साल से अल्कोहल एडिक्टेड हैं. तो अल्कोहल एडिक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं और वो उनकी हेल्प कैसे कर सकती हैं? देखिए ऐसा है, सभी बैठे रहे दो मिनट के लिए, हम पांच मिनट में सेशन वाइंड अप करेंगे. बहुत समय की एडिक्शन है तो उसको टाइम भी लगेगा, पर हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो उनके प्रति दृष्टिकोण है, वो थोड़ा गुड विशेस का होना चाहिए. जैसे बनारसी भाई ने कहा कि बात हो रही थी कि कोई गलती करता है उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या हो, वो तो रहम का होना चाहिए, कंपैशन का होना चाहिए, क्योंकि उस आत्मा को पता नहीं है कि वो कितना डैमेज अपने लिए कर रहा है. और जब पति पत्नी का संबंध इतना नज़दीक का होता है तो उसमें आप क्रिटिकल भी नहीं हो सकते. अब उसके लिए हमें यही है कि गुड विशेस चाहिए. कभी शांत मोमेंट्स में हम उनसे बात करें कि देखिए इससे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट होती है, इससे हमारी पर्सनल लाइफ पर भी असर होता है, तो उसको छोड़ देने में अच्छा है. अब लोग अल्कोहल लेते भी क्यों हैं? मोस्टली अगर आप लोगों से पूछेंगे तो वो अल्कोहल किस लिए लेते हैं कि हमें पीस चाहिए, हमें नींद नहीं आती है, एक पैग ले लेते हैं तो अच्छा लगता है. तो अगर वो अच्छा लगने की और नींद की प्रॉब्लम को हम वैसे दूर कर सकें, स्ट्रेस को मैनेज कर सकें, तो अल्कोहल तो पीछे छूट जाएगी. उसको देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि जितनी बड़ी बीमारी होगी उसके लिए मेहनत भी उतनी बड़ी करनी पड़ेगी. क्वेश्चन ये है कि मैं ये समझता हूँ फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट डाउट्स कैन क्रिएट इट आल्सो. जो हम कर रहे हैं अगर गुड विशेस दे रहे हैं उसके बीच में अगर एक संकल्प आ गया मेरा क्या फायदा होगा, तो इसने वो उतना बड़ा फेथ होगा तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. पर हम बीच में कुछ ना कुछ अपना या कोई लोग भी आपको कह देंगे आपके ऐसे सोचने से क्या होगा. तो मैं ये समझता हूँ कि केवल दुआ की नहीं लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटीज की भी ज़रूरत है कि उनको काउंसलर के पास ले जाएं, उनको हम किसी एक्सपर्ट को दिखाएं जो उनको मदद कर सके अल्कोहल गिव अप करने की. वो तभी हो सकता है जब हमारी उनके प्रति गुड विशेज होंगी. मेहनत करनी पड़ेगी, हम गुड विशेज रखेंगे और साथ में हम मेडिकल हेल्प भी लेंगे तो शायद हम प्रॉब्लम को जल्दी सरमाउंट कर पाएंगे. दोनों ही चीज़ें चाहिए. वो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी इफेक्टिव हो सकता है. अब वो तो ये है कि पेशेंट को जो सूट करेगा. हम चाहते हैं, हम लोगों ने जो स्टडी की बेसिकली ये है कि व्यक्ति की अपनी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि दिस इज नॉट राइट फॉर मी. जब तक उसको रियलाइजेशन नहीं होगी, रियलाइजेशन उसको आपकी गुड विशेस से भी मिल सकती है, उसको मेडिकल हेल्प से भी मिल सकती है, दोनों चीज़ें हैं. अब आप ये देखिए, डॉक्टर्स भी कभी कभी, तो नर्स बहन ने कहा, लेकिन डॉक्टर्स भी खुद भी एडिक्टेड हो जाते हैं. तो क्यों हो जाते हैं? इंस्पाइट ऑफ ऑल द नॉलेज, ऑल द इंफॉर्मेशन, दिस इज अ वीकनेस. अब वीकनेस को दूर करने का यही तरीका है कि उनको सपोर्ट मिले, उनको गुड विशेस मिले, प्योर फीलिंग्स मिले और साथ में मेडिकल हेल्प भी मिले, एक्सपर्ट की हेल्प भी मिले. थैंक यू सो मच. हमारे पास प्रश्न तो बहुत सारे आए हैं. हाँ जी, हाँ जी, हम डिस्कस करेंगे. प्रश्न हमारे पास काफ़ी सारे हैं, उनको हम कवर नहीं कर पाएंगे, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ इतने सुंदर प्रश्न आपने पूछे हैं और 300 से ज़्यादा प्रश्न हमें मिले हैं एक घंटा पहले अनाउंस करके. हाँ,
हम सबका प्रश्न का जवाब देंगे, आप लोगों से भी सुनेंगे, आप लोग भी बहुत एक्सपर्ट अनुभवी बैठे हैं। कल वैलिडेक्टरी सेशन, एक सेशन को हम ये कर देंगे और वैलिडेक्टरी शाम को 5 बजे से ही शुरू करेंगे और 7-8 बजे तक हर व्यक्ति के क्वेश्चन का जवाब मिलेगा और हर व्यक्ति से हम सुनना चाहेंगे आपने यहाँ क्या अनुभव किया। आज तक माइक आपको नहीं दिए हैं, कल माइक आपके हाथ में रहेगी, हम सुनेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओम शांति।